हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज स्टार्ट टॉयज। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम आपको बच्चों पेंसिल शेडिंग सिखाएंगे। तो पेंसिल शेडिंग के लिए हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है हम आपको बता रहे हैं। ये हमारी चारकोल पेंसिल है और ये हमारी 6B पेंसिल है। 6B पेंसिल हमारी डार्क होती है और लाइट पेंसिल से डार्क ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 2B पेंसिल होनी चाहिए। और ये चारकोल पेंसिल है, इससे हम शेडिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे। टॉपिक है हमारा स्टार टॉयज। देखिए बच्चों, हम आपको पेंसिल शेडिंग करना बता रहे हैं। पहले हमने एक 1 स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें लाइट पेंसिल से हम कर रहे हैं। इस तरह से स्ट्रोक करेंगे जहाँ पे लाइट शो करने हैं, हल्के हाथ से इस तरह से स्ट्रोक करेंगे। अगर डार्क करना है तो इस चारकोल पेंसिल से या 6-4 पेंसिल से हम इस तरह से डार्क सेट करेंगे। और हमें लाइट शो करना है तो इस रफ पेपर पे हम इस तरह से पेपर को ऑब्जर्व करेंगे इस शेडिंग में, तो ये लाइट हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको इसी के टेक्निक से आपको हम शेडिंग करना बताएंगे। सेकंड टेक्निक है स्ट्रोक। आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, स्ट्रेट नहीं करा जाएगा, फ्लैट में ही करेंगे हम। रफ पेपर से इस तरह से लाइट करेंगे। जहाँ पे लाइट करना है वहाँ पे हल्के हाथ से एक्सार्व करेंगे और डार्क के लिए हम बाद में इस तरह से पेंसिल से डार्क कर देंगे आउटलाइनिंग। पेंसिल शेडिंग में बच्चों आउटलाइनिंग हम मार्कर या स्केच पेन से नहीं करेंगे, अपनी 6-4 पेंसिल से डार्क करेंगे। अब बच्चों ये वर्क हमने जो किया है ये आप अपनी रफ कॉपी पे करेंगे, इस पेपर पे नहीं करेंगे। अब हम टार्टवाज स्टार्ट करें बच्चों। टार्टवाज बनाने के लिए देखिए हाफ सर्किल ड्रॉ करना है इस तरह से, कंपास से नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल सर्किल आता है, इसलिए हल्का सा गोल भी हो आप पेंसिल से रफ करेंगे ऐसी हाफ सर्किल। नेक्स्ट हल्का सा कर्व करेंगे इसको, फेस के ड्रॉ करने के लिए हल्का सा कर्व करेंगे। इसमें डबल लाइनिंग बनेगी बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग अब हम फेस ड्रॉ करेंगे। फेस के लिए देखिए ये भी हल्का सा कर्व करेंगे, माउथ ड्रॉ करेंगे एंड आइज के लिए स्मॉल सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, हम लिप ड्रॉ कर रहे हैं। और ये सेकंड लेग। और ये स्मॉल सी टेल। और इस तरीके स्मॉल सा सर्किल और हाफ सर्किल ड्रॉ करना इसमें डबल लाइनिंग में, फिर ये भी डबल लाइनिंग में होगी। अब हमने बच्चों टार्टवाइज ड्रॉ कर लिया है, इसको डार्क दिखने के लिए हम डार्क पेंसिल से इसको इस तरह से आउटलाइनिंग चारकोल पेंसिल से डार्क करेंगे।
आउटलाइनिंग हम डार्क करेंगे, हल्का सा कर्व है इसका, फेस भी कर्व में है, इसकी आउटलाइन देखिए बच्चों हमने डार्क पेंसिल से करी है। अब हम सीडी स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपको स्ट्रोक बताए हैं कि किस तरह से करना है, तो देखिए जिस जो राउंड में है उसका स्ट्रोक इसी तरह से होगा राउंड में। देखिए बच्चों वन साइड से डार्क एंड वन साइड से लाइट शो कर रहे हैं हम, बहुत ही लाइट हाथ से इस तरह से शेडिंग कर देंगे। पेपर से बहुत ही लाइट है इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छी सी मैचिंग हो जाए। फिर हम इस साइड का कर रहे हैं, तो यहाँ भी इस तरह से सेटिंग करेंगे, इसके स्ट्रोक इस तरह से होंगे। देखिए बच्चों सेटिंग का मेथड चेंज है, हमने यहाँ पे पेपर से मिक्सिंग आपको सिखाई, अब ये स्ट्रोक जो हैं इस तरह से हैं और इसमें कोई भी मिक्सिंग हम नहीं करेंगे। ये स्ट्रोक इस तरह से करी मैंने, देखिए अब यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं ये स्ट्रोक, और अब हम लेग में यहाँ पे करेंगे इस तरह। बच्चों हम टेल में सीडिंग करेंगे, जिस साइड की सीडिंग हो जाए उधर की आउटलाइनिंग हम डार्क कर देंगे पेंसिल से, जैसे कि इस तरह से इनको भी हम डार्क करेंगे। अब हम इसके फेस में सीडिंग करेंगे, जिस तरह से हमने कर्व करी है ये नीचे की तरह आ रहा है, तो शेडिंग भी हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लाइनिंग करने के बाद इस तरह से पेपर से हम फिर इनको मिक्स करेंगे शेडिंग को। ताकि डार्क लाइट कॉम्बिनेशन आपको से पता चले कि कहाँ पे डार्क शेडिंग की है और कहाँ पे लाइट शेडिंग की है। और इसका हल्का सा लेग में भी हमने देखिए शेडिंग कर दी है, टेल में भी कर दिया है। बच्चों हम इसकी आईज यहाँ पे ब्लैक करेंगे और इस जगह पे हल्का सा सेट कर देंगे और ये पोर्शन वाइट शो होगा। अब देखिए बच्चों हम टर्टोइस कंप्लीट हो गया है, अब हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। और बैकग्राउंड आपको भी करना है, जो भी पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे उसका बैकग्राउंड ड्राइंग में भी करेंगे और क्राफ्ट में भी करेंगे। यहाँ पे हम स्टोन इस तरह से ओवल शेप में और इस तरह से भी
दो तीन स्टोन ड्रॉ करेंगे। और बहुत हल्की हल्की सी ग्रास, ग्रास की भी और स्टोन की आउटलाइनिंग करके हम उसमें भी हम शेडिंग कर देंगे। ये देखिए आउटलाइनिंग हमने डार्क की, अब हल्की सी शेडिंग करेंगे स्टोक से इस तरह से। देखिए यहाँ हम ग्रास ड्रॉ करेंगे, और स्टोन में शेडिंग करेंगे इस तरह। देखिए इस पोर्शन को लाइट करने के लिए और शेडिंग की मिक्सिंग करने के लिए हमने पेपर से इस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। स्मॉल स्मॉल ग्रास शो करेंगे, तो शेडिंग कंप्लीट हो गई है। आप टार्टवाइज आप देखिए इस तरह से आप ड्रॉ करके पेंसिल शेडिंग को अच्छे से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस। ओके बच्चों, ओके बच्चों।